सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। क्या है जिंदगी? जीवन का पहला पड़ाव है जिंदगी। उस पहले पड़ाव से मिलो तक लंबा सफर तय करने का नाम है जिंदगी। जिन लोगों को हम अपना कहकर बुलाते हैं, वह भी अपनी औकात दिखाकर जाते हैं। जिंदगी एक शिक्षक की तरह होती है जो समय समय पर सबकी परीक्षा लेती है। दुनिया में हर इंसान अलग है, इसीलिए जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना सीखें। आज का पंचांग 1 फरवरी 2024 दिन गुरुवार, माघ मास के कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि दोपहर 2:03 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नामक नक्षत्र रात्रि 3:49 तक रहेगी। इसके उपरांत स्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:02 से 3:24 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:18 से 1:02 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:34 से 6:22 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर दोपहर 2:32 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। तुला राशि 1 फरवरी 2024 दिन गुरुवार, नए रचनात्मक निरीक्षण अभी आपको आकर्षित कर रहे हैं। आत्मविश्वास के साथ नए अवसरों का पीछा करें। इस समय मौके का फायदा उठाने से आपको भविष्य में सौभाग्य और संतुष्टि प्राप्त होगी। आप अपनी आय और ज्ञान बढ़ाने व पदोन्नति के बारे में सोच सकते हैं। आज आपकी आंतरिक ताकत बढ़ रही है, इसीलिए आध्यात्मिक कष्टों को अन्य परेशानियों का सामना करने का यही सही समय है। आज आप अकेला महसूस कर सकती हैं। शांति कल्पना और चिंतनशील मानसिक दर्शन आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकती हैं। अपने दिल की सुने और प्रयत्न करें, क्योंकि जो भी हम बोते हैं वही काटते हैं। आज आपके हर एक काम में आत्मविश्वास की झलक दिखेगी। कुछ समय पहले तक बहुत मुश्किल दिखने वाली बाधाएं आज आसानी से पार हो जाएगी। आपकी संवाद कुशलता अब पहले से बेहतर है और आप लोगों को इसके चलते विश्वास में लेकर अपनी बात समझा पाएंगे। दिन किसी मुश्किल परियोजना पर काम करने के लिए उपयुक्त है। अच्छी सेहत के लिए दूर तक पैदल घूमें। अच्छा, आपको पैसों से जुड़ी कोई समस्या आ सकती है, जिसे सुलझाने के लिए आप अपने पिता या पिता तुल्य किसी आदमी से सलाह ले सकते हैं। परिवार की किसी महिला सदस्य की सेहत चिंता की वजह बन सकती है। अपने साथी को भावनात्मक तौर पर ब्लैकमेल करने से बचें। कार्य क्षेत्र में किसी विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। इस राशि के लोग बड़े ही दिलचस्प होते हैं। ये कभी लोगों के बीच रहकर खुश रहते हैं तो कभी अकेले में। हालांकि अकेले वक्त गुजारना इतना आसान नहीं है, फिर भी आज दिन में कुछ समय आप अपने लिए जरूर निकाल पाएंगे। कारोबार का ख्याल शादीशुदा जिंदगी में परेशानी पैदा कर सकता है। आज किसी भी नई योजना को कार्य रूप देने का अनुकूल समय है। साथ ही यथासंभव सहयोग भी मिलता जाएगा। लोगों के साथ आपका मधुर और सहयोगात्मक व्यवहार आपकी छवि को और अधिक निखारेगा। युवा वर्ग अपने प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उत्साहित रहेंगे। काम पूरा करने का आसान रास्ता मिलेगा, इस कारण अन्य बातों पर ध्यान देना आपके लिए संभव हो सकता है। चुनिंदा लोगों का ही साथ मिलेगा और इन लोगों को किसी भी वजह से आपकी दिक्कतें दूर होगी। जीवन में नई शुरुआत हो सकती है। पुरानी बातों का विचार छोड़कर नई बातों पर ध्यान दें। करियर के लिए गंभीरता बढ़ने लगेगी। अपने लक्ष्य से जुड़े लोगों की संगत से दूर रहें। पार्टनर के साथ बातचीत करके आपको प्रेरणा मिल सकती है। घुटनों से संबंधित दर्द या जोड़ों से संबंधित दर्द होने की संभावना है। संबंधों को मजबूत करने के लिए आप विशेष प्रयास करेंगे। प्रेम और स्नेह के बल पर आप सफल होंगे। आप अपने अहंकार का त्याग करेंगे, आपको विशेष सम्मान मिलेगा। किसी भी यात्रा से बचें। लोगों के साथ काम करते समय अपनी भावनाओं को हावी ना होने दें। सावधानियां, अपने वित्तीय कार्यों में हिसाब किताब करते समय किसी की मदद अवश्य ली। जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला गलत भी साबित हो सकता है, इसीलिए बहुत ही सावधानी और सहजता रखने की जरूरत है। अभी खुद को साबित करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की भी जरूरत है। बात करते हैं लव लाइफ की।
आज का दिन खुशी और संतुष्टि से भरा हुआ है, जिसमें केवल किसी खास के साथ कुछ स्पेशल वक्त गुजारना चाहते हैं। व्यवसाय में नई शुरुआत आपको एक अलग पहचान दिला सकती है। अपने रोमांटिक मिजाज को ऐसे ही बनाए रखकर दिन भर की सुनहरी यादों को बटोरें। जब आपको ऐसा लग सकता है कि आपके जीवन में प्यार की कमी है, जिसके कारण आप अकेला महसूस कर सकते हैं, हमेशा अपने दिल की सुने और ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ें। अपने दिल की भावनाओं को अपने साथी के साथ जरूर बांटें और उसे समझें। अगर आप सिंगल हैं तो परफेक्ट पार्टनर आपका इंतजार कर रहा है। आज के दिन जुनून के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। आप पिछले कुछ दिनों से बचाव की मुद्रा में थी और अपने प्रेम संबंधों में काफी संयमित थे, पर आपको ये एहसास होगा कि ये पर्याप्त नहीं है, बल्कि ये आपको अपनी दीवानगी से भरा स्वभाव दिखाना होगा और आप अपने प्यार को खिलता हुआ देखेंगे। आपका साथी आश्चर्यचकित हो सकता है, लेकिन वो बड़े ही उत्साहित प्रतिक्रिया की मुद्रा में आपको जवाब देंगे। बात करते हैं करियर की। एक दुर्लभ नौकरी का अवसर आज आपके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आ रहा है और विचार करने पर कुछ हद तक जोखिम भरा लगेगा, लेकिन आप उस पर कार्यवाही करते हैं तो आप अपनी करियर को एक नया मोड़ दे सकते हैं। सुरक्षित और संकीर्ण रास्ते की तुलना में ये समय जोखिम लेने के लिए है, ताकि जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं वो पूरा हो। क्या आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ तो अभी कुछ समय तक इंतजार करें, क्योंकि भविष्य में समय आपके अनुकूल है। रचनात्मक व्यवसाय वाले लोग आज के दिन खुशी के पल का अनुभव करेंगे। आज वो चीजें आपको आकर्षित कर रही है जिन्हें आप लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे थे। आप अपने आंतरिक शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शांत रहना और आपकी योजनाएं आपके प्लस पॉइंट हैं, जिनके सहारे आप असंभव को संभव बना सकते हैं। आज अपने दिल का मार्गदर्शन पाकर आप सही दिशा और विकल्पों का चुनाव करेंगी। व्यवसायिक कार्य प्रणाली व्यवस्थित रहेगी, कुछ जल्द ही कोई उपलब्धि हासिल होगी। अपने अथक प्रयास और योग्यता द्वारा अपने कार्यों को उचित तरीके से कर पाएंगी। कमीशन और बीमा संबंधित कामों में अप्रत्याशित सफलता मिलने के योग है। ऑफिस में कोई वाद विवाद जैसी स्थिति भी बन सकती है। बात करते हैं सेहत की। आपकी खुद की ही लापरवाहियों की वजह से मौसम में बदलाव का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। ज्यादा दिक्कत होती है तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। आज इस बात की संभावना है कि आपको साझे प्रयोग की किसी चीज से त्वचा का संक्रमण हो जाए, इसलिए अपने नहाने धोने तथा साफ सफाई की चीजों को ध्यान पूर्वक अलग तथा साफ सुथरा ही रखें। दरअसल अब आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त साफ सफाई रखनी होगी। आपको अपनी आँखों को भी धूल मिट्टी से बचाना होगा, नहीं तो आँखों में भी एलर्जी की समस्या हो सकती है। आज का उपाय। आज अब तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाएं और पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।